हमारा मन करता है हम बार बार इधर आते रहे। अच्छा नहीं, सभी की इच्छा होती है। आप देखो चलो आई करो, आई करो। कहाँ गए थे आप? आंटी जी भी करेंगे। आंटी जी और को आपको याद होगा, पिछली बार हम बद्रीनाथ धाम भी गए थे, श्री हेमकुंड साहिब में इन्होंने दांकुड़ी भी लगाई थी। मान के कारण रुकता है, कोई किसी और के कारण रुकता है। हाँ। थोड़ा सा अपना काम को डिले पाओ, हेमकुंड साहब यात्रा पहला जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल, साल में कई मॉर्निंग में, अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब फैमिली सुबह 6 बजे से मिलते हैं और अभी सेकंड जो है यूट्यूब फैमिली मिल चुके हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हुए दर्शन, बहुत बढ़िया। मौसम कैसा रहा? मौसम बहुत अच्छा, सड़कें सही है। हाँ, अच्छा। आप लोग पूरे रिलेटिव आए हो साथ में? जी, तीन ही आए हैं बस? हाँ, तीन लोग। अच्छा अच्छा, हम अमृतसर से आए हैं। हाँ, तो आंटी जी जो है ब्लॉग देखती है आपके, वीर जी के बड़े फैन है आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको भी लाए, उनसे भी मिलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। बाकी ब्लॉग के थ्रू तो मैं उनको सिर्फ प्रणाम कर सकता हूँ, ठीक है। तो उनको काफी प्यार हम मेरी तरफ से, और आप लोग आते रहे हर साल, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका घांगरिया गोविंद धाम से। सुबह का मौसम प्यारा सा देख सकते हैं किस तरीके से लग रहा है भाई, चारों तरफ नीला आसमान और इतने प्यारे प्यारे पेड़, और मौसम भी एकदम आजकल इतना साथ दे रहा है। धूप सेकने की इच्छा हो रही है क्योंकि ठंड हो जाती है, ठंडे का महीना शुरू हो चुका है, तो इसलिए गर्म गर्म कपड़े आपको लाने हैं। बाकी सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे यात्रा अच्छी चल रही है। बाकी क्लोजिंग डेट 10 अक्टूबर 2024, लास्ट दिन जो कि आप श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद तो 8 महीने जो हैं गुरु जी और लक्ष्मण भगवान जी तप में रहते हैं। तो भाई आज बहुत ज़्यादा संगत थी, इवनिंग का टाइम हो गया, आज दिन का समय का पता नहीं लगा कब टाइम बदल गया, क्योंकि आज हैं बहुत सारे संगत, सबसे बातचीत करी, सबसे बैठना मिलना बहुत ज़्यादा समय होता है, पर अच्छा लगता है आप सभी से बातें करके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अगली सुबह है घांगरिया गोविंद धाम में, और कुछ ऐसा मौसम है भाई, मौसम आप देखोगे ना, यहाँ पे कोहरा भी उड़ रहा है और साथ में धूप भी लगी हुई है, मौसम भी क्लियर है। यहाँ से देखो कोहरे की मूवमेंट आपको यहाँ से थोड़ा पता चल रही होगी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन मौसम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी बहुत सारे संगत श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गए हुए हैं दर्शनों के लिए। तो भाई यहाँ से दिखता है पूरा प्यारा सा सुंदर सा दृश्य, नज़ारे गोविंद धाम घांगरिया के, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जो ये पहाड़ी है इसके ऊपर है श्री हेमकुंड साहिब, और इधर की तरफ है वैली ऑफ फ्लावर्स, और दोनों एक ही दिन कवर करना नामुमकिन सा है, इम्पॉसिबल। कवर कर भी लेते हैं कई लोग तो वो मतलब ये समझे कि भाई बड़ी दिक्कत होती है, थकान हो जाती है, इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए दोनों जगह आप जैसे श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी दोनों एक ही दिन ना कवर करें तो ज़्यादा बेटर है। एक एक दिन दे यार, प्रकृति को देखने आ रखे हो, उसको महसूस करने आ रखे हो, तो इसलिए टाइम ले करके आए, या अगर टाइम कम है तो कोई बात नहीं, एक ही जगह दर्शन कर लो, कभी फिर आना होगा नेक्स्ट ईयर, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब एक जगह अलग कवर करना। तो जी आज कांजला हेलीपैड भी पहुंच चुके हैं, बहुत दिनों बाद यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, घूमना फिरना भी हो जाता है। तो भाई 15 दिनों के अंदर अंदर ये सारे टेंट्स निकल जाएंगे, इनको समेट देते हैं, फिर संभाल देते हैं, फिर अगले साल फिर इनको लगाना होता है, ये देखो। तो जी आजकल यात्रा समाप्ति के दिन कुछ बचे हैं, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो अभी चल नहीं रहा कुछ देर के लिए, 2-3 बजे में फिर चलता है, तो यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं हमारे चेयरमैन और हमारे गांव के भाई लोग सब लोग। और ये देखो इसने कहीं बैट पकड़ा नहीं, और बॉलर को गड्ढा प्लेयर बताओ, बॉलर को दूध पिलाओ। और आज बीमार है भाई, ये लग रहा है इसकी हरकतों से ये बीमार होगा, कह रहा बीपी लो हो रखी, और हरकतें देखो बॉलरों को गालियां दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, अपने चेयरमैन बॉलिंग करा रहे हैं और उन्होंने 3 बॉल पे 3 छक्के खा चुके हैं, और ये 4th बॉल डालेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए भाई देखो, जाओ अरे बच गया।
भाई भाई आज के दिन भी बहुत सारे संगत दर्शन के लिए आए हुए हैं भाई। संतोष के लिए अब दवाई लेने जा रहे हैं, इसकी तबीयत थोड़ी ढीली है। हमारे भोजन माता तो भाई अभी देखो दूसरे मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, चार्ज हो रहे, और यहाँ पे हमारे यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं, बच्चे भी मिले हैं, और कल तो इनका बर्थडे था, हैप्पी इलेटेड बिलेटेड बर्थडे तो मतलब कल शुभ दिन में आप दर्शन भी करके आ गए बाबा जी के। और इनका क्या हुआ था, दस्तारबंदी। अरे वाह, पहली बार पहना कि पहली बार फर्स्ट टाइम? अच्छा अच्छा, जब बढ़िया लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। और ये नीचे से पैदल ही आया, ऊपर पूरा पैदल ही गया है। अरे पैदल वापस जाएगा। ठीक ठीक, पैदल गए आप? थकान नहीं लगी आपका? आगे भी पैदल आओगे? और आप लोग पैदल? अच्छा, नहीं जितना हो पाता है उतना अच्छा चलना होता है। हम भी कभी कभी घोड़ा चला चल। अच्छा 15, बच्चे का पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, और आपका? मेरा भी दूसरा। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो मतलब पूरी फैमिली आई है। उम्मीद करता हूँ अच्छे दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मौसम भी बढ़िया है ना आजकल। हाँ तो चलो ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छे, और जितना हो सके इनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जानकारी मिलती है हमारे को। बिल्कुल, सबको लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा था। ठीक ठीक, चलो दर्शन अच्छे हो जाए, मौसम बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है, बाय बोल दो। बाय सर। तो भाई अभी दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं, और अपने जो श्री हेमकुंड साहिब से सबसे पहले जो संगत यात्रा दर्शन करके आ गए हैं, अपने निशान वीर जी, और आपका नाम? अनमोल सिंह। अनमोल सिंह जी तो अमृतसर से हैं। वीर जी लोग हर साल आते ही आते हैं, दर्शन करते हैं बाबा जी के, और आप इस बार दो ही है ना? हाँ, दो। बट नहीं, हमारे साथ अब 13 आदमी और पीछे हैं। 13 आदमी? हाँ, दो हम लोग पहले पहुंच गए। अच्छा अच्छा, मौसम कैसा था ऊपर? बहुत अच्छा मौसम, मतलब यहाँ पे अभी तो थोड़ा कोहरा लग गया, थोड़ा बादल। सुबह जब हम दर्शन किए, बस स्नान किया, बहुत अच्छी धूप लग रही थी, है ना। हाँ, तो अब थोड़ा सा कोहरा लग गया था बाद में, फिलहाल बारिश वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ, बहुत अच्छा है सारा मौसम, बढ़िया आजकल। मेरे हिसाब से बस ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रह गए हैं। अच्छा अच्छा, जो भी संगत में वीडियो देख रहा है गौरव भाई की, जो जो आना चाहता है एक बार जरूर आओ। ये बस बाद में फिर 2025 में ही आना होगा। नहीं वही है फिर, ये 4 महीनों का तो पता भी नहीं लगा। जो संगत का प्लान है, जो जो मतलब कोई बरसात के कारण रुकता है, कोई किसी और के कारण रुकता है, थोड़ा सा अपना काम को डिले पाओ, हेमकुंड साहब यात्रा पहला जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल, साल में एक या दो ऐसी धार्मिक यात्रा जरूर होनी चाहिए, मन को भी सुकून मिलता है और बिल्कुल आशीर्वाद तो मिलता ही है। हमारा गौरव भाई के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, इनके जो दादाजी थे वो मैं 2005 से यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा हूँ, 23 बार आज आया हूँ। हाँ, 23। इनके दादाजी से हमारी बहुत बात होती थी हमारी, है ना। वो हेमकुंड साहब के जानकारी के लिए हमको बहुत जानकारी दी उन्होंने। हेमकुंड साहब के पहले ग्रंथी बाबा नंदा सिंह जी, गौरव भाई के दादाजी थे, जो हेमकुंड साहब की पहली देख प्रसाद बना था हेमकुंड साहब का, वो गौरव भाई के घर से बन के गया था। मतलब उनको, इनके दादाजी को बहुत गुरबानी बहुत याद थी, दसम ग्रंथ में बहुत बहुत बानी सुनाते थे वो। जब हम लोग आते थे, वो जब भी आना पुलना के बाहर ही होते थे, मिलना होता था। हाँ, पुलना के जब मतलब उम्र हो गई थी काफी, पुलना में, पुलना में रहते थे, जब भी हम आते थे पुलना में मिलना ही होता था। गौरव भाई तो चलो आजकल ही एक्टिव हो गए, मतलब मैं भी घर ही 2021-22 में आया, तब बनाना शुरू किया था। चलो कृपा थी ऊपर वाले दादाजी से, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत है ना, उनका आशीर्वाद। फोटो भी भेजी थी आपने पुरानी, बाबा बेअंत सिंह जी जो नगरासू वाले बाबा जी है, उनके साथ इनके दादाजी की फोटो है, गौरव भाई को मैंने सेंड किया था। हाँ जी हाँ जी। तो आप, आपके वीर जी कैसे रही यात्रा? बहुत अच्छा। आप कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम चढ़ाई कैसे लगती है? फर्स्ट टाइम चढ़ाई तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिजिकली थोड़ी फिटनेस चाहिए। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो सारी फैसिलिटी है, घोड़े भी हैं, हाँ, तो पिट्ठू भी हैं जो आपको बिठा के लेके जाते हैं। हाँ, तो अगर आपका बजट अच्छा कोई मतलब ऐसे ना वो प्रॉब्लम तो नहीं आती ना, कुछ रहने की खाने की कुछ ऐसी? होटल भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छा रास्ता सभी अच्छा है, गोविंद धाम में घाट में सारे सब अब हाफ रेट से भी कम में होटल वगैरह मिल रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी, जून में थोड़ा देखो रश में है, रश रहता है, और अब यूं समझे कि जून एक महीना है कमाई का साधन। हाँ, बिल्कुल, इसमें जैसा रश होता है वैसे रेट मैं रहता तो है। यही बात बोलता हूँ, हमको
इन जो पैसे ये मांगते हैं थोड़ा ज्यादा ही देना चाहिए हम लोगों को। मतलब जून जुलाई में संगत कम है, अगस्त में कम है, सितंबर में कम है, उस टाइम आओ, उस टाइम जो मर्जी जैसा। एक टाइम बस सिर्फ जून का है, जून का होटल से तो इतना महंगा है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4,000-3,000 महंगा आपका, कुछ भी नहीं महंगा, बहुत सही रेट है ना, सिर्फ जून में पीक टाइम होता। जून में देखो सभी ने कमाई करनी, बाढ़ ना इतने ऊपर लेके आना, कोई सामान लेके आना, वो उसका भी इसको इनको पे करना पड़ता है ना, सभी देके आना पड़ता है, ये नहीं है। अगर डबल रेट है तो इन्होंने भी दिया है। हाँ जी, वो एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो 20 वाली चीज है वो 40 की मिलती है यहाँ पे, 20 के तो इनको भी पड़ती है ना। अगर इन्होंने 10 रुपए बीच में कमा लिए तो कोई ज्यादा नहीं है। सही बात, सारे गोविंदा वाले है ना, घाट वालों ने सभी को हमको, अगर हम यात्रा पे आते तो है ना यही सोच के आना चाहिए, थोड़ा सा पहाड़ों में थोड़ा लाइफ है। बिल्कुल चलो, बाकी मैं गौरव भाई को यही बता रहा था, मेरा खाना उसी टाइम होता है जब गौरव भाई का वीडियो देखूंगा खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं व्लॉग नहीं देखूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। रोज देखना, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है जब ऐसे कोई काम पड़ जाता है तभी मिस होता है, कोई जरूरी काम अर्जेंट होता है, बिन नागा गौरव भाई का व्लॉग तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, वेदर कैसा है, यहाँ तक की सर्दियों में भी। हाँ जी, घर का इनका मम्मी कभी कभी आ जाते हैं धाम तक, देखो जब ऊपर इच्छा होती है। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो गौरव भाई, आपका बाबा जी आपको चढ़ती कला में रखे, आप ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू, ओके ओके गौरव भाई, वेरी मच, ओके, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो भाई अभी शाम के समय में लगभग श्री हेमकुंड साहिब यात्रा से आप देख रहे होंगे, आंटी जी और दीदी जी को देखते होंगे, पिछले साल भी देखा होगा, उससे पहले भी देखा होगा, 2022 में आंटी जी मेरे को मिली थी बाबा बकाला साहब जी के पास, तो हर साल दर्शन के लिए आते हैं आंटी जी और दीदी जी। दीदी जी ने तो राखी भी बांध दी कल 2 महीने बाद ये रक्षाबंधन के बाद। तो आंटी जी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया हो, और यात्रा कैसे हुई? बहुत बढ़िया। हर साल आते हो आप तो, मतलब लगातार कब से आ रहे हो? मेरे को इस बार मैं 14वीं बार आई हूँ। 14 टाइम, और आप? 9 टाइम। दीदी का भी यही है कि भाई जब तक सांस है तब तक हर साल दर्शन करने हैं श्री हेमकुंड साहिब के। आंटी जी भी करेंगे, आंटी जी और को आपको याद होगा पिछले बार हम बद्रीनाथ धाम भी गए थे, श्री हेमकुंड साहिब में इन्होंने दांकुड़ी भी लगाई थी माणा के जो हमारे लोग आए थे उनके साथ, तो हर साल आते रहते हैं। तो कैसे लगता है कि हर साल आना, इंतजार रहता है एक दिन का? बहुत ज्यादा, दिन में 7 दिन होते हैं जो यहाँ पर आने के लिए हम वेट करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है कि कब। दीदी का काम तो खैर ऐसा है कि जन सेवा में काम लगा रहता है, मतलब ये समझे हॉस्पिटल में काम रहता है, तो उसमें टाइम निकालना और छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर चलो हर साल आते हैं तो ये अच्छी बात होती है। और आंटी जी हमारे पास ही रुके हैं, हमारे साथ ही रुके हैं, तो बाकी कल भी घर वालों से मिलाएंगे, मम्मी पापा से, है ना। ओके, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। नो, मेरा भाई बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। आप लोगों का ही आशीर्वाद ना, और तरक्की बख्शे परमात्मा तुम्हें। थैंक यू दीदी, अभी आप भी रेस्ट करो, खाना खा। थैंक यू। चलो आई करो। कहाँ गए थे आप? हेमकुंड साहिब। अगली बार आओगे? भैया नहीं गए आपके? भैया ये 9 मंथ से आ रही है, 9th मंथ की थी तब से आ रही है। अच्छा, हर साल आती है ये? भी हर साल आती है? ये भी हर साल आ रही है। आप नहीं गए इस साल? नहीं है, वैसे कोई नहीं, यहाँ तक हाजिरी लग गई, सांस की वैसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऊपर अच्छा नहीं गया, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ऊपर। बड़े प्यारे बच्चे हैं भाई, बचपन से ही गुरु जी के दर्शन, गुरु घर के दर्शन, है ना बच्चे? कौन सी क्लास में? 4th में। और आप? अभी ये आपको पता नहीं आपको? अच्छा चलो बाय कर दो, बाय कर दो भैया, वैसे बहुत ही नहीं है। अच्छा तो जी यहाँ पे देखो हमारे संगत जी कुछ मैम लोग श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करके आ चुके हैं, और कल आप लोग जाने वाले हैं यात्रा के लिए। और लास्ट ईयर तो आप नंदा अष्टमी में मिले थे, ऊपर ही आए थे, आपके बेटे और आप आए थे, आप घोड़े में ही थे नीचे। तो कैसे रहे सर? अभी तो आप यात्रा करके आगे बिल्कुल, और अभी नीचे भी पहुंचना है, पहुंच जाओगे आराम से? प्रैक्टिस है पैदल चलने की? नहीं आंटी थोड़ी ज्यादा थक गई है, थके तो हैं लेकिन फिर भी जाएंगे तो सही जाना है, तो जाना। बाकी मौसम बढ़िया था, दर्शन कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमारी हेमकुंड की यात्रा बहुत अच्छी रही, और आपसे मिल गए तो हमें लगा कंप्लीट भी होगी, अगर आपसे ना मिल नहीं आप कल ही मिल गए थे, थोड़ी रह गई बात है, बहुत अच्छी। आप लोग ही हमें क्या कहते हैं मोटिवेट करते हो, है ना, आप लोगों की वीडियो देख देख के हम मोटिवेट हुए, तो हम लोगों ने हिम्मत ही नहीं करी। बाकी मैं थोड़ा ना मौसम का पता चल जाता है वीडियो से, थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मेरे को बहुत बार मैसेज आते रहते हैं बहुतों के, यात्रा बंद हो गई, यात्रा बंद हो गई, मैं बोलता यात्रा चल रही है, दिखाता हूँ।
तो वही है, बाकी अब बच्चों को नहीं ला के आए, फैमिली को चलो ने? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अगली बार फिर आए। बाकी मैम लोग नहीं, वीर जी बोल रहे कि चाय तब बनती है, नहीं चाय तभी मिलेगी, ब्लॉग आएगा तो ब्लॉग के बाद मिलेगी, या तो उससे पहले मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है ओके। तो आपको ब्लॉग देखने के बाद चाय मिलेगी हमें, चलो वो तो ऊपर वाले की कृपा है, आपको वीडियो पसंद आते हैं, थोड़ा पहाड़ियाँ दिख जाती है ना घर के, उसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी रास्ते ठीक थे? रास्ते बिल्कुल ठीक। हाँ आप पैदल आए, आप घोड़े में आए, आपके बच्चे भी पैदल आए, चलो कोई नहीं। बाकी अपने भाई है देहरादून से ही है भाई, जो हमारे लक्की भाई है, अमनदीप भाई है, उनके पड़ोसी है ना, रिश्तेदार है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आ नहीं पाए, लास्ट ईयर भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, और उनकी बच्ची है थोड़ा बड़ी हो गई है, मैं फोटो देखता रहता हूँ, ठीक रहा यात्रा? आप पहले पहुँच गए 60 संगतों को छोड़ के और चलो बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया है, पहुँचना तो यही है उन्होंने। हाँ, बाकी तो आठवीं यात्रा है, आठवीं यात्रा। और आपकी? सेम सेम। अच्छा साथ ही आ रहे होंगे आप पहले। अच्छा और आपकी? मेरी दूसरी तीसरी, कोविड में नहीं आए हम। अच्छा कंटिन्यू हो रहे हैं वैसे। चलो कोई नहीं, बाकी कल मौसम भी अच्छा रहेगा, दर्शन भी हो जाएंगे आपके, ठीक है जी, कल मिलेंगे अगर मिलना होगा, क्योंकि कल वैसे मुझे जोशीमठ पहुंच के, पुलना पहुंच के, फिर बद्रीनाथ पहुंचना है, ठीक है, ओके बाय। तो भाई अभी फिर से हमारे आज बहुत सारे संगत यात्रा के लिए आए हुए हैं, जो कि मौसम भी अच्छा है, तो भाई आजकल शुभ दिन है कि आप यात्रा में आए, कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। बाकी ये देखो हमारे YouTube फैमिली, आप पूरी एक ही फैमिली हो ना? हाँ। और जो वीर जी हैं उनके, आपके माता जी हैं? हाँ ये मेरे माता जी। अच्छा आपके क्या लगेंगे? ताई जी। हाँ तो वो आ नहीं पाई, लेकिन उनका बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, क्योंकि वो ब्लॉग्स भी देखती हैं, पसंद भी करती हैं, और चलो ऐसे ही उनका आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ अच्छा होता है। आप लोगों की यात्रा कैसे रही? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। हाँ। हमारा मन करता है हम बार बार इधर आते रहे। अच्छा नहीं, सभी की इच्छा होती है। अब देखो अब ऐसी जगह है, आप कितने दूर से आ रहे हो यात्रा के लिए, वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई ऊपर नहीं पहुँच पाता है, जिनकी इच्छा होती है और जिनको बुलाते हैं भगवान, तो वही जा पाते हैं। आपका ब्लॉग देखते हैं, इस बार मैं आया हूँ तो सिर्फ आपके ब्लॉग की वजह से, मतलब हेल्प होती है, हेल्प होती है, बिल्कुल हेल्प होती है, आपके ब्लॉग देखते हैं। मेन है कि मुझे यही लगता है कि हेल्प होनी चाहिए, जिसको कुछ अगर आइडिया ना हो, फर्स्ट टाइम आ रहा हो, तो उसको भी हेल्प हो जाए हर एक चीज। और वेदर कैसा था? वेदर बहुत बढ़िया था, आज हम सुबह जल्दी पहुंच गए, पहली दफा मैं पहले भी आया हूँ। हाँ। आज मैंने देखा ऊपर जाके हम 8:30 करीब पहुंच गए। अच्छा, और हम 2:30 बजे रहे, वेदर बहुत बहुत सुंदर था आज, तो सभी चोटियां दिखी हमको। हाँ। पूरा सूरज आज तो निशान साहब दिख गए थे सातों के साथ। हाँ सातों के साथ निशान साहब। अच्छा, सूर्य भी आज तो सूर्य देवता पूरा प्रसन्न था। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज तो पूरे स्नान किया। अब तो बस 15 दिन बचे हैं, जितना मतलब यही होता है कि साल का पता नहीं चलता कब निकल गया, हमें पता नहीं, हमें लग रहा हम कुछ दिन पहले आए और यात्रा समाप्ति होने को है। बट बाकी पैदल गए आप लोग भी? आज घोड़े से गए कल। अच्छा सॉरी, हाँ कल पैदल, आज घोड़ा किया इसी। हाँ। मैंने घोड़ा इसलिए किया है, मैं जल्दी पहुंच गए आज। अच्छा। मौसम बढ़िया है, उधर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, वहाँ टाइम स्पेंड किया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। बाकी माता जी को भी लाना आप? माता जी आ नहीं सकते जी, मतलब घोड़े में भी नहीं आ पाएंगे, नहीं वो नहीं आएंगे, वो वही देखेंगे, माता जी देखते हैं आपके। अच्छा। हमारे साथ जो सुबह देखते हैं, सुबह जब हमने नाश्ता करना तो आपका लोग लग जाता है। चलो ठीक है, कभी माता जी को भी प्रणाम मेरी तरफ से, आप ना आ पाए, बाकी हमारे ब्लॉग से दर्शन ही आप कर लें तो हमें भी अच्छा लगता है और आपका आशीर्वाद होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा फैमिली से मिल करके, बाबा जी बुलाते रहे, तरक्की रहे, थैंक यू सर। तो भाई अभी यहाँ पे देखो हमारे YouTube फैमिली अंकल जी मिले हैं, लास्ट ईयर भी मिले थे, हर साल मिलते रहते हैं, मतलब एक ऐसा कनेक्शन हो गया ना, हर साल मिलना होता है। और अंकल जी तो यात्रा करके अभी पहुँचे और थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, अब तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है बिल्कुल पक्का। हाँ, थोड़े घबराहट हुई, उल्टी आई थी। हाँ वो एकदम। हाँ, से क्या हो जाता ना, एकदम इतना चलना फिर थोड़ा रेस्ट जो थकावट हो जाती है ना, रास्ते में वध घट कोई ऐसी चीज खाई जाती है। हाँ,
जहाँ फास्ट फूड खा लेते हैं। हाँ, वो वैसे खाया कुछ नहीं मेन। देखो भाई, अंकल जी से एक बात सीखना, अंकल जी सुबह गए खाली पेट, चाय पी थी और उसके बाद खिचड़ी खाई श्री हेमकुंड साहिब में जाके, वो भी खाली पेट, फिर नीचे आए पैदल खाली पेट। तो ऐसे नहीं करे, तो ऐसे में आपके गैस बनती है, तबीयत खराब होती है। चलो वो तो रही बात, मौसम कैसा था ऊपर? नहीं, मौसम बहुत बढ़िया था। हाँ, दर्शन अच्छे थे, अच्छे दर्शन हुए। हाँ, और निशान साहबों के भी दर्शन हुए। और ठंडी कितनी हो रही है? ठंड भी, ठंड तो है, है ना, कपड़े तो लेके आने भी आना है, कोई कोट जैकेट जरूर लेकर आए। बाकी जो है अंकल जी अमृतसर में सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक देव जी के दरबार साहब में, गुरुद्वारा बेर साहब ड्यूटी रागी सिंह की, रागी जी की। हाँ, तो रागी जी भी हैं भाई, तो वहाँ भी दरबार साहब में एक तरीके की सेवा है, रागी जी हैं, और यहाँ भी हर साल दर्शन के लिए आते हैं श्री हेमकुंड साहिब। तो कृपा है आप पे भाई, आप हर साल आते हो, दर्शन भी करते हो। नहीं, पहले मैं 2011 में आया था। हाँ, और उसमें एक बार 2017 में आया हूँ। अच्छा, अच्छा। और 17 में 2023 में। हाँ, और आया साल। अच्छा अच्छा, 24 में। ठीक ठीक, चलो कोई नहीं, आपको ऐसे बुलाते रहे और हम भी आपसे मिलते रहेंगे। तो अभी आप रेस्ट करिए, थके हुए हैं, तो थोड़ा अगर दवाई की जरूरत है तो दवाई भी ले। दवाई नहीं, देखते हैं, दवाई लेकर बीपी चेक कराते हैं। चलो ठीक है अंकल जी, बहुत अच्छा लगा मिल करके आपसे। गौरव भाई से भी बहुत अच्छा लगा, मिलता है, ब्लॉग बड़ा बड़ा वधिया बनाते हैं। हाँ जी, और इनके फॉलो जरूर कराया करें, ये मत बोलना, इनको सब्सक्राइब और जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई आज ना पूरे 15 दिनों बाद मुझे यहाँ पे कोहरा दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ गोविंद धाम घांगरिया में कोहरा है, इतना डेंस कोहरा आ रहा है, इससे बढ़ जाती है ठंड। इसलिए लाएं जैकेट, कपड़े, हर एक चीज़ें आपको रखनी बहुत ज़रूरी है, देखिए आप समझ सकते हैं। इसलिए संतोष भाई के भाई आप बुखार है, तो चलो दिन में दवाई देने गए थे, तो उम्मीद करता हूँ ठीक है ना संतोष भाई, अब ठीक है, अभी स्माइल कर रहा है, दवाई का असर दिख रहा है इस पर। तो भाई कुछ ऐसा ही सिस्टम है, और यहाँ से घास लेने भी गए हुए हैं अभी, और थोड़ा अंधेरा हो गया फिलहाल दोस्तों। इसी के साथ आज के लंबे ब्लॉग, आज मैंने संगतों से बातचीत करी थी, मैंने उनको कहा था अगले दिन मिलना, बातचीत करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, माफ़ी चाहता हूँ, हर एक के साथ मैं ब्लॉग में बात नहीं कर सकता हूँ। और मैं ये एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि यार आप श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में आएँ, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा रहेगी कि अगर मैं आपको दिखूँ ना दिखूँ, आप मुझसे मिलो ना मिलो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अच्छे दर्शन होने चाहिए श्री हेमकुंड साहिब के। बाबा जी के पास आप जाओ, शांति से एक घंटा बैठो, आराम से दर्शन करो, कोई बात नहीं, अगर मैं दिख गया सामने तो कोई बात नहीं, है ना। बट मेरे को ढूंढने के लिए कहीं संगत परेशान हो जाती है, होता है, मेरा भी कहीं काम होता है, कहीं मैं इधर हूँगा, कभी सोया हुआ हूँगा, या कभी इधर हूँगा, कभी नीचे गया हूँगा, तो इसके लिए इंतज़ार करते हैं, वो चीज़ मुझे बुरा लगता है कि यार इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ मिले ना मिले, वो बाई चांस वाली बात हो तो चलेगा, बाकी दर्शन आप अच्छे करें, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। बाकी देखो देवताल का प्लान है, कैसा होता है, क्या होता है, आपसे शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम जाऊँगा मैं। और इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, बाय दोस्तों।